नमस्कार न्यूज़ रूम लाइव को स्वागत करुछी मु निवेदिता दर्शक बंधु न्यूज़ रूम लाइव माध्यम रे आमे लोकों को समस्या देखाई थाउ जे किबडे बाबे आम राज्य रे लोक माने जेउ सब समस्या रे रहउछंती प्रकृत रे सेमनक समस्या केते दो राज्य सरकार सुनुछंती सेमनक केभली अवस्था रे रहउछंती ताक विषय रे आमे विस्तृत भाबे सब समय रे आलोचना करिताती लोकों को समस्या आमे देखाई ताती जे प्रकृत रे आज आबे जेउ दुईटी प्रसंग देइछो जे प्रकृत रे लोके केउ अवस्था रे रहउछंती लोकों को समस्या कण एटी दुई दुईटी चित्र सामनाकु आसुची जे गोटे चित्र सामनाकु आसुची अनुगुल तालचेर रो एवं अन्य चित्रटी सामनाकु आसुची संबलपुर बुरलालु जे किबळे भाबे अनुगुल तालचेर रे कोविड केयर सेंटर अव्यवस्थार चित्र सामनाकु आसुची सेठारे जो माने रहउछंती रोगी तांको प्रति केभळी व्यवहार प्रदर्शन करा जाउची से माने कोन सब असुविधा सेठारे सम्मुखीन रहउछंती से प्रसंग रे आलोचना करबा तपन दास आ अनुगुल प्रतिनिधिक सहित ता परवर्ती समय रे आउ एक प्रसंग मध्ये आमे रखिचु जे किभली भावे जो रही बुला कोविड हॉस्पिटल जे रोगी को जीवन सह खेल खेला जाऊँगी रोगी को जीवन सह ये खेल खेला जितेबाला रेमडेसिविर जो इंजेक्शन टी रही जे ताको जितेबाला डाक्तर परामर्श देउछंती जे गुरुतर रोगी को गोटे समय दिजिव तेज से भाई एक समय रोगी को दुई दुई थर दि जाऊपटे जहाँ रोगी अभियोग करेक समय देखा मिले जे सठिक समय इंजेक्शन न मिलवर रोगी मृत्युर चित्र सामनाक आसली समय जड़े रोगी को दुई दुई थर इंजेक्शन दि जाऊँच रोगी जीवन सह खेल खेल जाए अभोग आसूरी संबलपुर बुर्लार कोविड हस्पिटाल ए तमाम घटना को नहीं आलोचना करवा बुर्लार ज्योति नंद आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ सहित आलोचना करवा प्रकृत में असुविधा क्योंकि कहीं लोकों प्रति एभली व्यवहार प्रदर्शन कर महामारी समय जितेबाला अनेक लोकर मृत्यु होवार चित्र सामना को आसूसी से किभली भाव बुला कोविड हॉस्पिटल रे रोगी जीवन सह खेल खेल जाऊँगी तेज तपन दास अब अनुकूल प्रतिनिधि जोड़ी सहित आलोचना करवा जमी आम प्रसंग रखीचे किभली भाव कोविड केयर सेंटर अव्यवस्थार चित्र सामना को आसूर जो मैंने रही रोगी से सठिक समय खावा दि जाऊन जो रही जो पायखाना रही सेठे जो मैंने टॉयलेट व्यवहार कर अवस्था जो चित्र सामना को आसूचे किभली रोगी एटार सुरक्षित ताक नहीं प्रश्न उठू तमाम घटना को नहीं आलोचना करवा तपन दास अब अनुकूल प्रतिनिधि बाबद आलोचना जोड़ी तपन गोटे पटे राज्य सरकार कहते जे किभली भाव जो स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िक रही सेठार भित्तिमि को विस्तार कर सठिक व्यवस्था कर जो रोगी मैंने कोविड केयर सेन्टर में रोचे सठिक ढंग से ट्रिटमेंट कर समस्त प्रकार सुविधा सुजोग जोगा दिज्व कितु ये चित्र जितेबाला सामना को आसूची जे अनुगुल ताचेर चित्र जो सामना को आसूची जे प्रश्न आसूची राज्य सरकार जो प्रचार प्रसार करते ये केवल प्रचार सर्वोच्च और ग्राउंड जीरो स्थित कितु भिन्न कौच निश्चित पक्ष देखो जहाँ ग्राउंड जीरो रो जहाँ स्थिति रही जो कोविड केयर सेंटर रो जो चित्र आसी आप देखुं यह निश्चित भाव सांघातिक निश्चित भाव जो प्रचार सर्वस्व कह कौटना कौटी एभली जो चित्र आसूची बर्तमान सामना को आसूची या आम अनुधान करते हैं जना पड़ निश्चित भाव जो सरकार बा जिला प्रशासनिक स्तर में जो त्वरित पदक्षेप निया कथा कह कोविड रो सुपरिचालना कथा कह रोगी सेवा को अधिक रु अधिक त्वरान्वित करता कह निश्चित भाव कौटना कौटी प्रहसन पलटी जो दृश्य आसी अनुगुल जिलार तालचेर आदर्श विद्यालय थिबा महुलपाल थिबा जो आदर्श विद्यालय रही सेठारे कोविड केयर सेंटर कर सीधा सड़क जो दायित्व रही सेठिकार जो स्थानीय पौर प्रशासन रही जो सब डिविजनल अथॉरिटी जी रही उपजिलापाल कांधरे से कोविड परिचालनार दायित्व हस्तांतर कर किंतु दुर्भाग्यर विषय है जे रोगी सेवा तो छाड़ू जो आनुषंगिक जो व्यवस्था रहा दरकार जो रोगी मानक ठिकना खाद्य उपलब्ध करवा दरकार परिष्कार परिच्छन कथा कहतु बा शौचालय कथा कहतु ये तमाम असुविधा को लेकिन सेठी पखापाखी जो 30 रु 35 जन जो रोगी सेठी बर्तमान रोचा से मैंने ये कि दृष्टि आकर्षण कर स्थानीय प्रशासन दृष्टि आकर्षण करु जो जो अभियोग रही आदो सेठिकार जो रही प्रशासनिक अधिकारी से आदो कर्णपात करना फल ये जो
जो रही पुंजीभूत असंतोष गत काली विलंबित रात उग्र रूप धारण कर राज्य सरकार बारंबार हाथ जोड़ी अनुरोध करते बाहर राज्य फेर जो मैंने कौन से कोविड लक्षण देखा जाने निजस्व आसतु एवं टेस्ट करातु एवं एक महामारी समय समस्त सहायता राज्य सरकार लोड़ यार मध्य जो मैंने बाहर राज्य आसुच्चों कोविड केयर सेन्टर में रखा जेहेतु जो मैंने घरे रोचे व्यापक व्यवस्था नहीं काले रोगी गुरुतर हमें से कोविड केयर सेन्टर खोल जाए दायित्व जिला प्रशासन को दि जाए जिला प्रशासन यार दायित्व तुलाइवा कथ जिते गत काली रोगी मैंने अभियोग कर धारणा देखते जार भिडियो बर्तमान सोशियाल मीडिया भाइराल होती यार गत काली रात धारणा देते आज धारणा देखते प्रकृत में जिला प्रशासन को यहाँ आसुनी तदारख करने प्रशासन निकट में कौन एक पहुंचुनी निश्चित भाग से कथा मुझे निवेदिता कहती ये जो जो अभियोग आसी जहाँ को नहीं कि सेठिकार जो रोगी माने रही बाहर को आसणार बस ये घटना संपर्क में ये अभियोग संपर्क में जे स्थानीय प्रशासन रही तालचेर उपजिलापाल कथा कहतु तालचेर पौर निर्वाही अधिकारी से माने जो अवगत नहांती कहवा भूल हम कहीं आम पाखे प्रमाण रही से रोगी माने संपुक्त अधिकारी मानक लिखित आकार जन आज जनई पूर्वर मध्य जनई जदि से ही रोगी माने पूर्वर से ही आनुषंगिक व्यवस्था नहीं कि स्वरोत्तोलन करते अव्यवस्था नहीं कि दृष्टि आकर्षण करते प्रश्न उठू जो अधिकारी मान दायित्व रही कांधरे यही कोविड परिचालन दायित्व रही कर ये निश्चित भाव एक प्रश्नवाची सृष्टि होणु जो रोगी मैंने के विश्वास जाते जे सरकारी सुविधा टी मिल से भल भाव चिकित्सित हे और चिकित्सित होने पुनर्व घर को फेरबे किंतु जो तालचेर कोविड केयर सेन्टर में जो महुलपाल ठारे आदर्श विद्यालय जो कोविड केयर सेन्टर होठार जो अव्यवस्था बर्तमान पर निश्चित भाव प्रशासनिक अधिकारी मान राज्य सरकार त्रुटिपूर्ण परिचालना जो रही कि निश्चित भाव जो विरोधी दल मान पक्ष जिले में जो दाबी करा बा जो अभियोग करा जिले जिते बड़े राज्य सरकार सठिक दिगरे किभे कोविड परिचालना करने ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर पूर्व प्रस्तुति करोना चेन को ब्रेक लग जा प्रकृत में कौटी लाकुना रही जा राज्य सरकार एने प्रस्तुति कर अव्यवस्थार चित्र सामना को आसूच राज्य सरकार जो घोषणा करछन्ति जो व्यवस्था करछन्ति ये केवल कागज पत्र से सीमित ना ग्राउंड जीरो रे किछि परिवर्तन आसुचि ये खबर सेते बेले सामना को आसुचि जेते बेले अनुकूल तालचेर रो कोविड केयर सेंटर रे दृश्य सामना को आसुचि तपन आपण को अटकिया को चाहिबी एवं परवर्ती समय रे आमे आलोचना करबा जे किभले बापे बुर्ला मेडिकल रे रोगी को जीवन स खेला खेल जाउचि तपन दास अब अनुकूल प्रतिनिधि आमे सहित जोडीथिले जेमति कहुतरे जे कोविड केयर सेंटर रे केमति अव्यवस्थार चित्र सामना को आसुचि एतरे शौचालय कथा कोंतु रोगी सठिक समय रे खाइबा को देबा दिया जाउनी जा रोगी सिदासक अभिजो करुचति आ ए चित्र सेतेबेले सामना को आसुचि जेतेबेले रोगी माने आसी धारणा रे बसुचति जार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हेउचि जेबे जेतेबेले गणमाध्यम रे खबर प्रसारित होलाडी सेतेबेले जिला प्रशासन निकट रे खबर पहुंचुचि ना नै ता उपरे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुचि यारि मध्ये रे जेतेबेले अन्य एक चित्र सामना को आसुचि संबलपुर बुर्ला रो जे किबेले बाबे एठारे बुर्ला कोविड हॉस्पिटल रे रोगी को जीवन स खेला जाउचि जेतेबेले डाक्टर परामर्श दउचोति जे गोटिए इंजेक्शन दिया जिवो जे गुरुतर रोगी रहिसेंति ताकु गोटिए समय रे गोटिए इंजेक्शन दिया जिवो रेमडेसिविर दिया जिवो त्यार मध्ये रे जोडे स्टाफ नर्स को जे कार्यरत जेतेबेले से कोविड आक्रांत होई बुर्ला हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउचोति जेतेबेले डाक्टर परामर्श दउचोति जे ताकु गोटिए इंजेक्शन दिया जिवो सेतेबेले अजडे नर्स आसुचोति ताको सकाळे गोटे इंजेक्शन देथवा परि देथिले एवं पुणी थरे संध्या रे आउ एक इंजेक्शन दउचोति आ जेतेबेले जो रोगी जणक रहिसेंति पूर्णिमा पूर्णिमा रभार रहिसेंति क्षमा करेंगे पूर्णिमा कुंभार रही जे रोगी जेकि कोविड द्वारा आक्रांत थे से मेडिकल भर्ती होते अवस्था गुरुतर था सकाले एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दि जाइला और जितेबाला डाक्तर परामर्श देते गोटे इंजेक्शन दि जा दिन को कि नर्स आसुँच पुणी आउ थे इंजेक्शन दौरान आक बारण करुँच तेरे बड़ प्रश्न जितेबाला राज्य तमाम अंचल सामना को आसूची जे चित्र जे इंजेक्शन अभाव अनेक समय रोगी मृत्यु अभियोग आसुची सेतेबेले किभले भाबे जोडे नर्स को दुई दुईटी इंजेक्शन दिया जाउची ए चित्र सामना को आसुची संबलपुर कोविड हॉस्पिटल रे ओ एठारे किभले भाबे रोगी को जीवन स खेल खेल जाउची ए चित्र सामना को आसुची तबे बड़ प्रश्न जदि पूर्णिमांकर कोनोसी असुविधा घटी थांता जदि तांकर स्वास्थ्यवस्था गुरुतर रही थांता तबे एतिपई दायी के रही थांता तबे ए घटना को नै सीधा सळख जे रहिसेंति रोगी पूर्णिमा
कुंभार से कौन प्रतिक्रिया रखुंत पुओ कौन प्रतिक्रिया रखुंत आसत नजर पकड़े पुणी थे आलोचना को फेर एमती लाखड़ा आज्ञा मैंने कर इंजेक्शन झुली से इंजेक्शन नहीं देकर पलैला से कहे तुम गोटे लोक के पठाओ जदि से झील नहीं देखा मुझे 100 ml पठेदेवि तुम्हें तेल मिसेकर देदेव देखो आज्ञा गोटे 40,000 टकर इंजेक्शन सका देन मत ए गोटे लोक नहीं पाइक मरुन भावुन बोले मैंने के खाम खेली सकाल गोटे डोज देलापर कहना मैंने इरेस्पोनसबिलिटी एटकी से मैंने सेकेंड डोज देवा लगे आसते मोर माँ के मोर मार सागे सागे मोर मौसी भी मेडिकल जेहतु स्टाफ है बोले से जितके लिए जानला कि सेकेंड डोज देने पेसेंटर डेथ हो जाएसी से जाकर सागे सांग इनस्टाटली जे नर्स देवा लगे आसा अन् ड्यूटी थी तार हाथ धरी पकाल मना कला कि नहीं दि तो से आर्गुमेंट कला से नर्स मौसी सागे कि इंजेक्शन देवा कथा बोली कहले बोले जे मोर मौसी थी से कहला कि अलरेडी मर्निंग गोटे डोज दिखे आई दि हुए बोलिक तो से नर्स फायर आर्गुमेंट कला कि नहीं इंजेक्शन मुझे दे सारी तापर जाकर तो इनक्वारी कर तबे ये थिला जे रोगी रही थिले से प्रतिक्रिया रखुथिले एवं तांको परिवार सदस्य मध्य प्रतिक्रिया रखुथिले जेतबे डाक्टर कहउछन्ते दिनकु गोटे इंजेक्शन दिया जिवो सेबेले को समयरे नर्स केमिति एते बड अभळा करि परछन्ते सिदासक आलोचना करबा बुल्ला प्रतिनिधि ज्योति नंद हम सहित जोडैछन्ते ज्योति जेमति आबे पूर्वपुर मध्य आलोचना करुथिले जो चित्र सामना को आसुछि संबलपुर बुल्ला कोविड हॉस्पिटल जे एथारे जणे रोगी को दुई दुई थरा इंजेक्शन दिया जाउछि एवं सबटु बड कथा आउछि जितेबले गोटे कोविड रोगी अवस्था गुरुतर रही है डाक्तर परामर्श दौरान गोटे इंजेक्शन दिजाई को समय जन नर्स आसुचार दुई दुई थर इंजेक्शन दौरान रोगी प्रति एत बड़ अवहेला ये केमी संभव देखो निवेदिता बुर्ला भिंसा बारंबार रोगी प्रति अवहेला घटना सामना को आसूसी बारंबार रोगी प्रति किसी ना कि घटना घटू जहाँ फल रोगी संख्या रोगी मृत्यु संख्या दिनक दिन बढ़ी चलती जो घटना गत काली जो बड़ घटना जो सामना को आसी जोटा कि बुर्ला भिंसार कोविड रे एक रोगी से रोगी जो निजे नर्स स्टाफ निजे कर्मचारी अटंती तेनाली जिते गोटे इंजेक्शन दिगला सकाल दिखाला कि पुणी से इंजेक्शन पुणी थोड़े डबल डोज देखें जाइए कि समय से नर्स जनक कोरोना आक्रांत होता व्यक्ति जनक से सीधा सारे बारण करते कि डबल डोज दि जाए कहीं से निजे जन नर्स से निजे जन सीनियर से नर्स बारण करते तो बर्तमान बड़ प्रश्न हूँ जो नर्स दीदी जनक आसिकले निहां किसी ना कि कौन से डाक्तर निहां परामर्श देते दवापे कि तदंत निहां आवश्यकता रही है उच्चस्तरीय तदंत कमिटी गठन कराऊ प्रकृतर घटना कौन रही कहीं से बोली घटना घटा होती आम प्रत्येक दिन देखु आम डाटा देखा बुर्ला भिंसार प्रत्येक दिन 10 रु 15 जन प्रत्येक दिन मृत्यु सम्मुखीन होती घटना सामना को आसूसी लोकों मध्य बर्तमान सन्देह जनक प्रश्न सृष्टि होती कि काले ये भूल इंजेक्शन देखा रोगी संख्या मृत्यु घटू बोली लोक मन एक प्रश्न सृष्टि आ सारी सारा राज्य चर्चा मुझे से कथा को नहीं रोज कि निहाती आवश्यकता हूँ एक बड़धनक तदंत कमिटी गठन करच्चस्तर तदन कर स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य विभाग जो मैंने अच्छा मुख्य से मैंने गुरुत्वपूर्ण नवा आवश्यकता रही है कहीं रोगी जीवन प्रति पूरा संपूर्ण खेल खेलु जहाँ दृश्य सामना को आसूस बुर्ला भिंसा कोविड हस्पिटाल ज्योति आपत कहते यार दृढ़ रु दृढ़ कार्यानुषान दिजाऊ उचित तदंत निया प्रकृत में प्रश्न से आसूसी जिते बड़े जड़े रोगी को दुई दुई थर इंजेक्शन दि जाऊँच जिते बड़े जहाँ रोगी अभोग आणुँच गोटे इंजेक्शन दाम जिते बड़े 40,000 टका रोचे आज जड़ को जिते बड़े गोटे इंजेक्शन देवा कथा आम बारंबार कही रखु जी जहाँ अभोग आणुँच रोगी जनक जहाँ अभोग आणुँच डाक्तर परामर्श देखते दिनक गोटे इंजेक्शन दिजाव से भले एक समय नर्स दुई दुई थर इंजेक्शन देवा क्या परामर्श से दुई थर इंजेक्शन देखते एवं जिते बड़े पूर्णिमा यहाँ विरोध करते से किसी परिमाणर इंजेक्शन भितर को जाइवर जहाँ से अभोग आणुँच तेज ज्योति जानवा को चाहबू पूर्णिमा जहाँ अभोग आणुचर जो सेकेंड थर तक इंजेक्शन दि जाइला किसी परिमाण में इंजेक्शन भितर को जाइए बर्तमान स्वास्थ्य अवस्था किभ रही ज्योति जे कौन स्वास्थ्य में अवनति घटे तो देखो निर्विदा से कथा कह पूर्व बड़ कथा मुझे कहना चाहूँ से जड़े निजे नर्स स्टाफ बोली से विषय जापारे कि मैंने मेडिसिन बाबद बेस जना था बोली से बारण कर जड़क जनसाधारण साधारण लोक जी से था तो से मना कर भाव में इंजेक्शन नापी से राजी होते दि जाऊ बोली कि मृत्यु होगा जना पड़ता कि ये
ଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ନିଜେ ଜଣେ ନର୍ସ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ନିଜେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠିକି ସେ ସିନିୟର ନର୍ସ, ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା ଅଛି ଗୋଟେ ଔଷଧ ବାବଦରେ ନେଇକି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାବଦରେ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ କି ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କ ମାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ତାଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ପଚାରିବା ସେ କହୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଏହା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଅବହେଳା ହେଉଛି, କାହାର ଅବହେଳାର ହାତ ରହୁଛି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା କି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନେକ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ବେଡ୍ ମିଳୁନି, କେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁ ମିଳୁନି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ୟାକୁ କ୍ଷାମକାଲି ଭାବେ ନିଆଯାଇ ନପାରେ, ଏ ଘଟଣାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଘଟେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ତେବେ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ନର୍ସଙ୍କର ନର୍ସ ଏଭଳି ଏକ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଉଥିଲେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି କି? ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଭୀମସାରର ଯିଏ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଲାଲମନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଇଟା ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ପୁଙ୍ଖାପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯଦି ଯଦି ଘଟଣାଟି ସତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବାଟା ଏକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ କି କାହିଁକି ନା ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯେଉଁ ଭୀମସାର କି ଆଜି କେବଳ ବୁର୍ଲା ବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ନାହିଁ, ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆସିକି ଏଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି, ଯଦି ଯେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ ମେଡିକାଲ ଯେଉଁଠାରେ କି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଏଠାରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେରରୁ, ଅନ୍ୟଟି ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସମାନ ଭାବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତପନ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ତପନ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆମେ କେବଳ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତପନ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରତି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି? ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାର, ସେ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାହିଁକି ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଚିତ୍ର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତେ, ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତାନି। ତପନ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ହେଇଛି, ଆକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁଢଙ୍ଗରେ ଆକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା କଥା, ସେ ଟିମ୍ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଏ କାମଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲଚେର କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲାଣି କି, କୌଣସି ରୂପେ ଆଲୋଚନା କଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ପାଇଥିବା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି
जो रोगी माने रही से माने धारणारत रही यार अर्थ कौन प्रशासनिक अधिकारी से पाखे बर्तमान जाए पहुंची पारि ना रोगी माने आनी जो अभियोग आशु समाधान करा जाए पारि ना निवेदिता ओके बर्तमान सुधा समाधान करा जाए जो असंतोष जाहिर करते जो रोगी माने कोविड केयर सेंटर में रही बड़ प्रश्न आसबाद सरकार एप्रति चिंतित एक कहते गोटे पर गोटे बैठक डाकुंत कि सठिक परिचालना किभली कोरोना चेन को ब्रेक करप्रति जिते जत्नवान कथ कौन ग्राउंड जीरो स्थित जितेबाला एमती सामना को आसूची जो अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची बहुत बहुत धन्यवाद अपन दास आम अनुगुल प्रतिनिधि बाबद आलोचना करते तेज ज्योति आपको जीवाक चाहिए स्वल्प समय शेष रियाक्शन जानवाक चाहिए जो ज्योति जितेबाद जड़े नर्स क्षेत्र में यह अवहेला प्रदर्शन करते सीधा सख अभोग आड़े साधारण रोगी टीए भीमसार के सुरक्षित ए प्रश्न उठू देखो निविदा पूर्व आपको ये विषय जनावी कि से रोगी जड़े निजे नर्स ताली से निजे जापारे कि जो मेडिसिन बाबद नहीं कि औषध कि केत खाते कौ समय खुआ जाए बेस जना से निज जीवन को रक्षा करेंगे कि गोटे जनसाधारण बाबर साधारण लोक व्यक्ति था तो जान ना निहांती भाव में इंजेक्शन नहीं था नहीं सारा निज जीवन चलीगला जना पड़ता कि ये भूल इंजेक्शन दिखाई कि भूल इंजेक्शन दिखाई ना ताद जना पड़ ना कि कथ संपूर्ण भले चपे चपे से संपूर्ण भले से कथा लिभि जाता कि बर्तमान जो घटना जो सामना आसूसी रोगी जनक निजे नर्स स्टाफ अच्छा निजे से जानते औषध बाबद से घटना को बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति नंद आम बुर्ला प्रतिनिधि बाबद आलोचना करुते तेज दर्शक बंधु ये केवल बुर्ला भीमसार हस्पिटाल घटना सीमित नुहे राज्य तमाम हस्पिटाल चित्र सामना को आसूसी केतेबेले भेंटिलेटर अभाव केतेबेले शज्जा मिलूनी केतेबेले आईसीयू व्यवस्था ना ए समस्त चित्र सामना को आसूसी एमती चित्र सामना जड़े रोगी मृत्यु परे पांच दिन पर्यंत परिवार लोके टिफिन नहीं जाउछंती मेडिकल कर्तृपक्ष शव सत्कार कर दौंती बिना परामर्श रे बिना खबर रे तबे ए प्रश्न सेतेबेले आसुची जेतेबेले पूरी थरे राज्य सरकार काठगड़ा को आसी स्वास्थ्य विभाग काठगड़ा को आसी जेतेबेले बुर्ला भीमसारु एभले एक पूरी एक चित्र सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति नंद आम बुर्ला प्रतिनिधि बाबद आम सहित आलोचना करते पूर्व तपन दास अनुगुल प्रतिनिधि से कोविड केयर सेंटर अव्यवस्थार चित्र आमको देखा तेज समय सरचे न्यूज रूम लाइव को यही रखु नमस्कार।